हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और राधे राधे आप सभी को बहुत बहुत राधा रानी की बधाई। आज है राधा जन्माष्टमी, तो आज तो किशोरी जी का जन्मदिन है, तो आप सभी के घर में खुशियां आएं। और मैंने कर दिया है घर को बिल्कुल साफ़, मेरे क्लीनिंग हो गई है, झाड़ू पोंछा सारा हो गया है। सुबह का टाइम है और आज बहुत ज़्यादा खुशी है, मैं सुबह से ही बहुत खुश हूँ। तो प्लीज़ आज का जो वीडियो है आप पूरा देखिएगा। और ये देखो भोले बाबा मेरे कितने सुंदर हैं, आज मेरे घर पे दो दो मेहमान आए हुए हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। दोनों नन्हे नन्हे से हैं, तो ये जो मैंने लिए थे, तो मैं नहा कर आ गई हूँ, तैयार हो गई हूँ। तो ये हम गए थे, अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी वृंदावन में। तो मैंने ये भोले बाबा देखे तो मेरा मन खुश हो गया। बहुत दिन से था मेरे मन में कि मैं इस टाइप के कांच वाले भोले बाबा ज़रूर लूँगी, मुझे जहाँ भी दिखेंगे। तो मैं मन में मन्नत मांग रही थी भगवान कहीं मिल जाए मुझे भोले बाबा। तो बस ये मैं एक मॉल था छोटा सा मूर्ति का, तो मैं उसमें गई तो बस ये दिखा मुझे, तो मेरा मन खुश हो गया अंदर से, बहुत ही मन खुश हुआ कि मैं ये ज़रूर लूँगी। ये महंगे की बात नहीं है, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है चाहे वो महंगा हो चाहे सस्ता हो, मैं ले ही लेती हूँ। थोड़ा जब चीज़ मन को भाग गई तो उसमें पैसे क्या देखना, तो इस वजह से बहुत ही सुंदर लगे थे मुझे। आप लोगों को कैसे लगे मेरे भोले जी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अब राधा अष्टमी है तो व्रत भी है हमारा, तो मैंने भोग वोग सब लगा दिया है और अब बस जो हवन है वो कर लेते हैं। हवन सामग्री घी मतलब लौंग वगैरह सब चढ़ा दी हैं, जोत वोत की तैयारी कर लेते हैं। तो पूजा में काफ़ी टाइम लगेगा। आज का व्रत सभी माता बहनों को करना चाहिए, ये राधा अष्टमी का जो व्रत है, जो कृष्ण अष्टमी करते हैं तो ये राधा अष्टमी भी ज़रूर करनी चाहिए। तो बस मैंने आज ये पीले रंग की साड़ी पहन ली है, क्योंकि व्रत वगैरह करते हैं तो अच्छा लगता है साड़ी वाड़ी पहनना। तो देखना अभी मैंने जोत जलाई है, आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे इसमें कि मतलब हवन में ना माता रानी मतलब हवन की जो मेरी अंगारी है उसमें अपने आप ही आ जाएंगी, मैया खुद ही इनमें मतलब जल जाएगी, जो अंगारी पे हमारी ज्योत है वो अपने आप ही आ जाती है। तो चंदन वगैरह अब सब लगा देती हूँ मैं, आज लाल रंग का चंदन लगाती हूँ मतलब कुमकुम, और बाकी दिन मैं पीले रंग का चंदन लगाती हूँ भगवान जी को, और अष्टमी वाले दिन लगाती हूँ लाल कलर का। तो बस अभी जो दुर्गा चालीसा है वो पढ़ लेते हैं, आरती वगैरह कर लेते हैं। काफ़ी टाइम लगता है आज के दिन मुझे पूजा में, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ अपनी अष्टमी की पूजा। वैसे मैं दुर्गा अष्टमी भी रहती हूँ लेकिन आज राधा अष्टमी है, तो ये मैंने मिठाई वगैरह मंगा ली थी। और अभी लास्ट में एक चीज़ और आपको दिखाने वाले हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। यह है सुबह की पूजा, तो शाम का भी जो वीडियो है वीडियो में बने रहिएगा। और प्लीज़ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। विधि को देख लो, तो बस अब पूजा भी हो गई है मेरी। और ये शाम का क्लिप है, तो मेरे घर पे पधार गई हैं राधा रानी। बहुत लग रहा था मन में, आ जाओ राधा रानी, आ जाओ मेरे घर, कब आओगी कब आओगी, तो यही सोच रही थी। तो अब मैं कर लेती हूँ प्राण प्रतिष्ठा, तो कि अब रात में किसको बुलाऊँ पंडित वगैरह को, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो मैंने पहले माता रानी को जो राधा रानी उनको नाच में मैंने दबा दिया है, उसके बाद मैंने फूलों में थोड़ी थोड़ी देर में निकाल के मैं मतलब कर रही हूँ। ये तीन चार जगह और एक घंटी में मैंने दूध ले लिया है, एक में गंगा जल रख लिया है। तो मैंने और मेरा मंदिर में भी थोड़ा सा गुब्बारे वगैरह लगा दिए हैं बच्चों ने, तो बस आलू में भी हमने दबा दिया था, फल में या फ्रूट में कुछ में भी हम दबा सकते हैं। तो पहले दूध से नहलाया फिर गंगा जल से, और बस अब वस्त्र पहना के कर देते हैं तैयार।
तो आप सभी का मेरी तरफ से सभी के परिवार को, सभी के बच्चों को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार। आपके घर में सुख शांति आए, राधा रानी सभी को मनोकामना पूर्ण करे। तो बस अभी हम केक भी काटेंगे, केक भी लेके आए हैं। विधि को बहुत खुशी होती है जब ऐसा कुछ घर में होता है। तो ये सज गए हैं लड्डू गोपाल और राधा रानी दोनों, और बस ये वाला केक है। तो बच्चों को केक खिला देते हैं, इतने सारे बच्चे हैं और विधि ने केक को किया है कट। तो आज सोमवार का दिन है, सोमवार को ये मेरा क्लिप जा रहा है आप लोगों के पास, वैसे संडे का है। तो सभी को केक बांट दिया है हमने, और सभी बहन भाइयों को जो भी मेरे को सपोर्ट करते हैं, सभी को मेरी हाथ जोड़कर राधे राधे, बाय बाय, मिलते हैं।